मुस्लिम समुदाय के लोगों का रमजान चल रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग रोजा रख रहे हैं। आपको बता दें कि रोजा रखने के दौरान मुस्लिम समाज के लोग दिन में कुछ खाते पीते नहीं हैं, वह केवल रात की सहरी के वक्त ही कुछ भोजन लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी भी 100 वर्ष पुराना कल्चर चल रहा है। यहाँ बताते चले कि कश्मीर में बरसों से यह रस्मों रिवाज चलता आ रहा है। रात को 2 बजे के करीब सहर खान यानी ड्रम बीटर वाले लोगों को जगाने के लिए आते हैं। 2 दशकों से बहुत से सहर खान यानी ड्रम बीटर रमजान के महीने के दौरान दिन के उपवास से पहले सहरी के लिए निवासियों को जगाने के लिए श्रीनगर की सुनसान सड़कों पर चल रहे हैं। वे 2 बजे उठते हैं और 3 बजे तक पूर्ण राउंड करते हैं। वह अक्सर राउंड के दौरान अपनी सहरी खाते हैं। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम गुलाम अहमद शेख है। मेरे फादर का नाम था गुलाम नबी शेख। वो तो मेरे से पहले सहरखानी करता था। उसको 40 साल हो गया सहरखानी करते हुए। तो आप करना पड़ता है और कितने बजे निकलते? मुझे तो इस काम में 20 साल हो गया, क्योंकि मेरा बाप इस काम में था, इसलिए मैंने भी ये काम शुरू किया। मुझे इस काम से फख्र होता है कि मैं ये काम करता हूँ, किसी को रात को जगा के रोज़ा रखने के लिए उठाता हूँ। तो कहाँ कहाँ पर आप जाते हैं, तो कितना एरिया आप कवर करते हैं? बहुत मुश्किल काम करना था इस साल, तो ज़्यादा ही मुश्किल आया रात को निकलना। रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं है कहाँ से बीमारी लग सकती है। तो मौसम की और कहाँ कहाँ पर आप जाते हैं? जी, मैं तो 1 बजे शहर में उठ जाता हूँ तैयारी करके, फिर लगभग 2 बजे शुरू करता हूँ शहर बजाना, ढोल बजाना। मैं 2 बजे शुरू करता हूँ, फिर यही उम्मीद रहती है कि मेरे ढोल से कोई जग जाएगा, वो रोज़ा रखेगा, तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा। तो फिर दिन में आप कैसे क्या क्या करते हो जब दिन में सब जब लास्ट वाले दिन आते हैं तो दिन में सब घर वालों के पास जाता हूँ, तो अपना जो हक होता है वो दे दें। मौसम में तो चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको तो शहर के वक्त निकलना ही है ज़रूरी। तो क्या कुछ समझकर आप ये काम करते हो? मैं तो अल्लाह का काम करता हूँ, ये अल्लाह का काम ही है, एक किस्म का अल्लाह का ही काम है। क्यों, इसमें सवाब भी मिलता है और कोई रोज़ा भी रखता है। दिन ब दिन आते जा मेरी यही मैसेज है उन लोगों से कि हमारा कल्चर जो कश्मीर का कल्चर है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। तो क्या मैसेज है बाकियों के लिए? बाकियों के लिए यही मैसेज है, उनको भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए। तो लोगों से कैसा कोऑपरेट आपको मिलता है जब आखिरी दिन? जब मैं लोगों के पास दिन में जाता हूँ मिलने के लिए, उनके घर घर जाता हूँ, तो मुझे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। सब मोहब्बत ही करते हैं, कोई नफरत की निगाह से नहीं देखता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.